ऑनर है, यूनियन मिनिस्टर है, आपका बहुत बहुत आभार। हम वेट कर रहे हैं। बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है। आज चंडीगढ़ विखे लगभग 7500 स्टूडेंट्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दस दिए कि इस मौके क्योंकि देश है जिहड़ा 75वां आज़ादी दिहाड़ा मना जा रहा 15 अगस्त को, तो इस मौके आज चंडीगढ़ के सैक्टर 16 स्टेडियम विखे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो होर स्टूडेंट्स जोड़े ने उन्होंने एक ह्यूमन फ्लैग बनाया, तिरंगा जोड़ा बनाया है। सो दे विच लगभग 7500 स्टूडेंट्स जोड़े से इकट्ठे हुए तो एक फॉर्मेशन बनाई गई जिदे नाल एक ह्यूमन फ्लैग है लहरा होया तिरंगा जोड़ा वह बनाया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जोड़ा रिकॉर्ड है वह दर्ज हो जा रहा है। सो एक इतिहासिक जी तस्वीर है वह अज इत चंडीगढ़ की धरती से देखने को मिली है। दस दिए कि हर घर तिरंगा कैंपेन है जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पूरे देश के चल रही हैगी है, तो उस तहत एक इतने एक फंक्शन है जोड़ा ऑर्गनाइज़ करवाया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों, जिथे पंजाब के गवर्नर यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित पहुँचे ने, यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी पहुँचे ने। सो ह्यूमन फ्लैग है जोड़ा वह बनाया गया, तो इतिहास जोड़ा रचा गया थोड़ा दिखाने किस तरीके की जी तस्वीर है वह इतने अज नज़र आई है। जान देता है
लेकिन तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा उठा ही नहीं सके। उस नियम को बदलकर हम सबको एक ऐसी प्रिविलेज प्रदान की गई कि हम सब तिरंगा कभी भी अपने हाथ में उठा सकते हैं और मान सम्मान के साथ लगा सकते हैं, और यही हमारी भारत की आन बान और शान का प्रतीक। साथ ही नियम को बदलते कि खादी का ही कपड़ा सिर्फ तिरंगे बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, उसको भी बदला गया, क्योंकि जब 20 करोड़ कम से कम झंडे लगाने हैं तो खादी की उस उपलब्धि संभव नहीं है, इसलिए उस नियम को भी बदला गया। और तीसरा नियम जो बदला गया, कुछ सैन्य अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मंच पर उपस्थित थे, तो ये तिरंगा कुछ एलीट वर्ग के लिए ही होता था। आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर होना पड़ता था या भारत के बड़े पद पर होना पड़ता था, और सिर्फ तभी आप तिरंगा लगा सकते। और साथ ही तिरंगा ऊपर चढ़ाने का और नीचे उतारने का भी समय निर्धारित, उसको भी बदला गया। और अगर 3 दिन तक झंडा लहराना घरों के ऊपर वो संभव नहीं है, अगर सबको वो गांठ बांधनी और उतारना चढ़ाना भी नहीं आता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तिरंगे का आदर लोगों के मन में कम है। आम जन के मन में तिरंगे का पूरा आदर है, लेकिन उस आदर भाव के साथ भी जो टेक्निकलिटीज है उनको पालन करना कई बार कठिन होता है, इसलिए उन सबको हटाया गया। और इसके लिए मैं गृह मंत्रालय की भी आभारी हूँ कि ये सब संभव हो पाया। इन्हीं शब्दों के साथ जन भागीदारी में शामिल होते हुए इस तिरंगे को सलामी दे, और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव पर सब लोग रिजॉल्व करें, चाहे स्वच्छ भारत का रिजॉल्व हो, प्लास्टिक मुक्त भारत का रिजॉल्व हो, या कोई भी रिजॉल्व, क्योंकि ये दिन संकल्प महोत्सव भी है और हमें अगले 25 साल में देश को कैसे लेके जाना है उसका भी संदेश है। आओ मिलकर इसमें शामिल हो और पूरी आस्था के साथ तिरंगा महोत्सव हर घर तिरंगा मनाए, हर घर में तिरंगा लहराए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के आयोजक श्री सतनाम सिंह संधू जी, श्री अम्बेडकर, श्री चांदकर और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हमारी महापुर महापौर लोग हमारी महापौर हमारे हमारे एक्टिव सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे कलिंगा ने क्या शुरू है कार्यक्रम, लोग जमा हो, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। आज आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, इसके लिए आपको पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन।
बहुत बड़ा मैसेज हमारे पूरे चंडीगढ़ में आज यहाँ बहुत बड़ा मैसेज। मित्रों, चंडीगढ़ के भाइयों और बहनों को मंच से मैं आह्वान करता हूँ, देखिए संधू जी ने बड़ा बड़ा काम किया, चंडीगढ़ का नाम रोशन किया, चंडीगढ़ का नाम आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपने मेरा ही नहीं, कृष्ण का नहीं, हमारे चंडीगढ़ का नरेंद्र मोदी जी के आवाज सही में जबकि इनके संतू जी सतनाम सिंह संतू जी के साथी ध्यान से इतनी धूप पे पूरे पूरे विद्यार्थियों के साथ में जवानों के साथ में धूप सहते हुए बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतना ध्यान रखिए हमारा चंडीगढ़ नहीं बल्कि पंजाब की जनता को भी मैं आह्वान करता हूँ, एक भी घर बिना तिरंगे झंडे के रहे नहीं। पड़ोसियों को यदि कोई लेकर आए घर बंद भी है, पड़ोसियों से मैं आह्वान करूंगा ये झंडा अपनी तरफ से लेकर उस घर पे लगा दे, हर घर हमारा तिरंगे से लहरा रहा है। हम 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होने पर बहुत बड़ा जन्म है, आपके लिए बहुत बड़ा गौरव है, इसका आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश को आह्वान दिया था आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का और उसके तहत हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आज से शुरू हुई है और ये अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। जज्बा सब में है, हर घर तिरंगा हो रहा है, लेकिन अलग क्या किया जाए, और हमारी हर बार कोशिश होती है कुछ इनोवेट किया जाए और हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और हमने इसके आज टेम्पलिंग को सक्सेसफुल हुई है और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनएडी फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है और हमें लगा कि आज हमने भी अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी हर घर तिरंगा की कैंपेन में उन शहीदों के सत्कार में 13,500 लोगों ने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए, और हमारी एक कोशिश थी और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे यूथ में एक नई तरह का जज्बा, एक नए तरह की स्पिरिट जो है देश के प्रति आपके सामने देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आने वाले 25 साल जिस यूथ के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, अमृतकाल में देश जा रहा है, उनको अपने देश के गर्व के साथ जोड़ना, तिरंगे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था और मेरा ख्याल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक विचारधारा के साथ बांध दिया। संधू साहब, जो रिकॉर्ड बनाया जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल विद्यार्थी जिहड़े इस समागम दे विच आए वो कोई 25,000 के करीब सी, लेकिन जिन्हें रिकॉर्ड बनाया वो 6,000 के आस पास टोटल नंबर सी, 5,885 का नंबर जिहड़ा काउंट होया। साडी तैयारी जिहड़ी 8,000 तो प्लस सी, लेकिन गर्मी के होर मौसम होने करके रिकॉर्ड इतने ही ब्रेक हो गया, फिर असीं उत्थे उन्हें स्टॉप कर दिया। खड़े हो सर, आप पीछे। मेरा नाम है स्वप्निल डांगरीकर, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल एडजुडिकेटर। सर पीछे आना थोड़ा सा, आप पीछे। ये रिकॉर्ड का टाइटल है लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ वेविंग नेशनल फ्लैग। इसके पहले का रिकॉर्ड बना था 28 नवंबर 2017 साल में यूएई देश में, जहाँ पे 4,130 लोग थे, उन्होंने उनका नेशनल फ्लैग बनाया था ऑफकोर्स। और आज ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है विद 5,885 पार्टिसिपेंट्स, इट्स अ बिग नंबर एंड विद दिस हीट उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम वंस अगेन। और हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जैसे कहते हैं यू आर ऑफिशियली अमेजिंग। थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन।